ये एक बार फिर से मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है ना, तो इस वक्त मेरे कैरेक्टर को मोहब्बत हो गई है एक लड़की से जो एक्चुअली लड़की नहीं है, बट वो लोग मेरे सामने लड़की बन के आते तो मैं उस स्पेल में चला गया हूँ। एंड आई एम ड्रीमिंग अबाउट हर एंड ऑल दैट, एंड बाई चांस माई डॉटर कम्स विद अ लेटर कि किसी गर्लफ्रेंड का आपके लिए आया है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ बिकॉज एक्चुअल में चल भी रहा है। सो आई फील माई डॉटर हैज़ कम टू नो अबाउट इट एंड विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, इट्स अ प्रैंक, बट शी टेक्स माई यू नो मेरी जान निकाल देती है वो। एंड अगर आपने सीन देखा तो इट्स अ वेरी ह्यूमरस एंड वेरी नाइस सीन, मज़ा भी आया करने में, बट आई थिंक इट इज़ समथिंग विच इज़ हैपन्ड हाफ वे, पूरा नहीं हुआ। नहीं, वो हाथ नहीं आ रही इसलिए क्योंकि हर बार चेंज हो गया, कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी आवाज़ ऐसा हो जाता, तो आएगी हाथ। एक बार आई थी, उसमें क्या क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं अभी तक, वो मैं जब एपिसोड देखूंगा तो पता चलेगा। कुछ भी, क्योंकि अब ये तुल गया है और एक पंजाबी आदमी है, पंजाबी आदमी नॉर्मली जब तुल जाते तो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कर डालूंगा वो क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ लड़की नहीं है, जीनत इज अ गाय। यस रेडी, हाँ बस हो गया, हाँ आई एम रेडी। तो ये लड़की नहीं है, इट्स अ गाय, सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस विद दैट गाय और द गर्ल और द गाय हु इज कम इन डिसगाइज एज गर्ल। थैंक यू सो मच।